क्या भाई ट्रेडिशनल लुक है इसकी। ठंड भी बढ़ गई है और बस मिलना मिलाना सबसे हुआ है अभी। भाई तो ये है जी गेस्ट रूम, माशाल्लाह से क्या ही प्यारी गोल्डन गोल्डन वाइब आती है। ना खुल गया था भाई और कुछ इस तरह से यहाँ भी सीन्स हैं। आंटी भी आ गई हैं, ये रख लेना संभाल के। अच्छा ये सारे भाइयों के घर एक एक जाना चाहिए। अच्छा ये हमारी तरफ जाने चले, यहाँ अभी और चीजें भी होंगी। थैंक यू। और सही तरह खाना खाना। जी जी कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर लो। पिछला व्लॉग अगर आपने देखा तो आपको पता होगा भाई हम वलीमा अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद आए हुए हैं और अभी हम हैं जी एक किस्म का समझ लें आज ये हमारा अपना घर है। तो यहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है, खाना वगैरह भाई हम खा चुके थे और चाय की तलब हो रही थी और चाय के लिए हमारे पास भाई कप नहीं थे तो कप भाई हमने फिर ग्लासों को बनाया और ग्लासों में हमने बनाई है जी चाय। ये इंडियन स्टाइल में चाय मिली है भाई। वो क्या नाम है वो डॉली वाला? डॉली वाली, ये भाई डॉली स्टाइल की चाय, बस कप थोड़ा बड़ा है। अच्छा वो डॉली जो सामान लगा था चाचू ने कहीं सामान तो भी चाय को लगाया। तो अभी हम पी रहे हैं जी चाय और टाइम जो है ना टाइम अगर भाई ये टाइम ठीक है ना तो 6 बजने वाले हैं और टाइम ये ठीक ही है। तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद भी मैं तैयारी करने लगा हूँ, फिर हमने निकलना है जी मैरिज हॉल के लिए। लेकिन उससे पहले जो है ना भाई आपको एक छोटा सा हाउस टूर दे दूँ कि कहाँ हमने स्टे किया हुआ है आज की रात के लिए। तो पहले चाय पी लेते हैं। मैं बाहर आया हूँ गेट के पास, तो बाहर तो भाई अच्छा खासा मतलब अभी रोशनी है। मैं तो समझ रहा था कि अंधेरा हो गया, वो 6 बज गए, लेकिन यहाँ भाई अभी अच्छी खासी जो है ना रोशनी है। और ये सोसाइटी है जहाँ हमने स्टे किया और बहुत ही प्यारे घर है माशाल्लाह से। और मसले और... की बात ये है कि हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। हाँ सोलर पैनल यहाँ पे भाई सब ने लगाए हुए हैं, देख रहे हो। खैर जी ये वाली सोसाइटी है जहाँ हमने स्टे किया, ये है जी एंट्रेंस। तो गाड़ी हमारी भाई बाहर ही खड़ी हुई है, चाय मेरे अभी भी हाथ में है। यहाँ से होते हैं जी इंटर और इस तरफ जाते हैं। यहाँ भी भाई साइकिल खड़े हैं, दो हैं भी ये गियर्स वाले हुए, ये भाई इंपोर्टेड साइकिल है, बड़े मज़े के साइकिल हैं। इस तरह का लेना चाहिए था अगर स्पीड बढ़ानी थी तो। टायर देखो इसका कितना बारीक है। अच्छा खैर जी ये गैराज है भाई और यहाँ से होते हैं जी इंटर अंदर। वेलकम करने के लिए भाई खड़ा हुआ था। अच्छा जी भाई तो ये है जी गेस्ट रूम, माशाल्लाह से क्या ही प्यारी गोल्डन गोल्डन वाइब आती है। मुझे इस तरह के रूम बहुत पसंद है। अच्छा एक चीज़ मैंने इस बार चेंज करनी है जाके, मैंने रूम में इस तरह की लाइट्स लगवानी है। इन पे बहुत प्यारा आता है बंदा, जितना भी कोड़ा हो ना बंदा तेरे जैसा भी खूबसूरत आने लग जाता है माँ। तो ये वाली भाई मैंने लाइट्स लगवानी है गोल्डन गोल्डन वाली। खैर जी ये है जी वो क्या कहते हैं गेस्ट रूम। तो इस तरफ जो है ना ये पर्दा एक लगा हुआ है, कर्टन लगा हुआ है, यहाँ से इंटर होते हैं। तो ये है जी सीटिंग टेबल, सीटिंग प्लेस बनी हुई है बैठने के लिए, वो टीवी वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। और इस तरफ जो है ना ये किचन है और किचन की लुक कुछ इस तरह की है। खैर हमने इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, बस चाय बनानी थी वो हमने भी बना लिया। और ये सीटिंग प्लेस से जैसे ही आगे जाते हैं ना दो बेडरूम है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो इस तरफ वाला जो बेडरूम है ना लाइट्स लाओ भाई, इसकी इसकी लुक कुछ ऐसी है भाई, मतलब बिल्कुल ना खुले खुले रूम है, बड़े मज़े के रूम है और एसी वगैरह भी लगा हुआ है। रात को अगर ठंड वैसे तो अब बारिश वाला मौसम है तो रात को ठंड लगेगी, एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी और फिर लेकिन फिर भी अगर चलाना हो तो चला सकते हो। ये पंखा बंद कर दो यार ठंड है। और इधर लगा हुआ है जो भाई बड़ा सारा शीशा, साथ में वाशरूम। और इस तरफ जो है ना दूसरा बेडरूम है भाई। और इधर अम्मा कर रही हैं जी रेस्ट और ये भी मैंने कर लिए हैं जी कपड़े प्रेस, ये वाले कपड़े मैं पहन के जाने वाला हूँ। इधर ये भाई ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है, साथ में मिरर और साथ में इधर भाई वाशरूम है। चाय पी रहा हूँ तो पहले चाय पी लूँ फिर वाशरूम दिखाता हूँ कि यहाँ के वाशरूम कैसे हैं। अभी मैं तैयार हो जाता हूँ और वाशरूम के भी आप लुक दे देता हूँ कुछ इस तरह से। भाई वाशरूम है बिल्कुल सिंपल सिंपल सा, इधर ये वैनिटी वगैरह जो बनी होती है सारा कुछ है, बेसन वगैरह। तो अभी मैं कपड़े शपड़े कर लेता हूँ चेंज और फिर हम ना निकलते हैं वलीमा के लिए भाई। हाँ जी भाई तो फाइनली जो है ना हम हो चुके हैं जी रेडी और मेरी तो भाई वही ईद वाली लुक है जी कुछ इस तरह से भाई, वो शूज़ हैं और ईद वाला ही ड्रेस मैंने पहना है। शादियों पे ना नया सूट पहनना वो कहते हैं सिर्फ लड़कियों के शौक रह गए, लड़कों के ना ख़त्म हो गए, लड़के अब सिर्फ कमाने के चक्करों में लगे। तो इधर भाई बाकी सब भी रेडी हैं जी और अम्मा भाई बड़ा आप तो जैसे कुल खाने के कुरान की तिलावत करने जा रही हैं। अम्मा ने ना सही बुक्कल मार ली। अच्छा भाई अभी हम निकलने लगे हैं जी, टाइम जो है ना टाइम 6:36 हो गए हैं। 7 बजे कह रहे थे कि भाई मैरिज हॉल पहुंचना है
तो अभी निकलने लगे हैं जी, ड्राइवर साहब भी हमारे रेडी हैं। बाकी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई आप सबको घर कैसा लगा। माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, और वो कहते हैं ना अच्छी जगह हो ना तो बंदा थकावट जो है ना बंदे की दूर हो जाती है। तो रूम भी वेल फर्निश्ड है, काफ़ी पीसफुल माहौल है, यहाँ का साफ़ सुथरा माहौल है, तो ज़बरदस्त किस्म का घर बना हुआ है। स्पेशली तौर पर जो है ना भाई हमें जो है ना गेस्ट रूम बहुत पसंद आया, और मेरी हमेशा से ही ख्वाहिश रही है कि इस तरह की एम्बियंस हो रूम में। बेशक फर्नीचर डिफरेंट हो, मतलब डिसेंट किस्म का हो, सिंपल सा हो, लेकिन जो लाइटिंग है ना ये वाली मुझे बहुत पसंद है और हमेशा से ही पसंद रही है। तो इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि अपने बेडरूम में या वो जो गेस्ट रूम है ना उसमें ये लाइट्स जो है ना चेंज करके गोल्डन शेड वाली लगाऊँ, जिस तरह का इनका शेड आ रहा है। तो ये बहुत बंदा ना मतलब एक डिसेंट सी फील आता है, प्यारा लगता है। 6:42 हो गए हैं और पता नहीं यार मेरे ना लॉक स्क्रीन पे जो है ना ये वॉलपेपर खुद ही चेंज होते रहते हैं, अजीब अजीब से लगते रहते हैं। अभी ये पता नहीं कोई स्टैचू से लग गए हैं। खैर जी, ये है जी इस्लामाबाद की शाम, काफ़ी प्यारी शाम, प्यारे प्यारे घरों के साथ। दिल तो है यहाँ पर बंदे का घर हो, बड़ा इन्वायरमेंट है पीसफुल। तो अभी जो है ना चलते हैं, निकल गए हैं जी हम मेरे झाल के लिए। और मज़े की बात बताऊँ, मेरे झाल जो है ना रमादा होटल, रमादा 3 स्टार है, 5 स्टार है, 3 स्टार या 4 स्टार पर नहीं है, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, पर अच्छा मतलब जाना माना नाम है होटल का। लेकिन उसको मैंने एक फॉरनर यूट्यूबर था वो ना स्टे कर रहा था, उसने उसको बहुत बुरी रेटिंग दी थी। शायद वो बाहर की चीज़ों से क्या आदि होंगे, पाकिस्तान को से पता नहीं होगा, लेकिन अच्छा खासा नाम है रमादा होटल का। तो वहाँ पर भाई वलीमे, तो अभी उधर ही हम जा रहे हैं, तकरीबन यहाँ से 20 से 25 मिनट का सफ़र है, तो पहुँच के मिलते हैं वहाँ पर। भाई सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है, कुछ सोसाइटियाँ शाम के टाइम इतनी पीसफुल होती हैं ना कि ये इस सोसाइटी से ही आप अंदाज़ा लगा रहे हो ये बहरिया इनके लिए में हैं हम, और कुछ सोसाइटियाँ होती हैं भाई वहाँ पे रिक्शे मोटरसाइकिल गाड़ियाँ शोर ही शोर होता है, लेकिन ये काफ़ी मतलब वेल सेटल्ड और पीसफुल सोसाइटी है। डेफिनेटली महंगी भी है ये भी है भाई। पहले हमें मिल नहीं रहा था जी फ्लावर्स वाला बुके, नहीं मिल रहा था, हमें बुके चाहिए था, लेकिन अचानक एक बुके वाला भाई मिले हैं, लेकिन इसके पास ना बहुत ज़्यादा वैरायटी तो खैर फूलों की नहीं थी, लेकिन एक बुके जो है ना हमने ले लिया, ये वाला डिज़ाइन लिया है हमने सेम टू सेम, काफ़ी प्यारा लग रहा था, डिफरेंट कलर्स के फूल थे। तो वो भाई अम्मा इधर अंदर ले कर बैठी हैं, और ताकत वहाँ बेकरी भी हमें नज़र आई है, बल्कि नहीं वो खाली आता आ रहा है। मिठाई हमें अभी लेनी है, वो किसी बेकरी से ढूंढनी पड़ेगी जो बेकरी हमें मिलेगी, क्योंकि रस्तों का हमें यहाँ मैप पर चल रहे हैं। हाँ मिली नहीं बेकरी क्या? केक वगैरह। तो यार वही केक वगैरह करवा लेने थे। अब रह गए कि स्वीट्स, फाइनली में वो भी शॉप मिल गई थी। सबसे पहले भी हमने ट्राई की है, बड़ी ना लाइट लाइट सा मीठा था और अच्छी थी बर्फी ना, बर्फी लुक से भी फील हो रही है कि कम मीठे वाली है। तो बाकी अभी जो है ना मिक्स मिठाई हमने करवाई है सारी जो है ना भाई पैक कर रहे हैं, उसके बाद भाई सीधा ही हम जाएँगे जी मेरे सॉल। बाकी सब कुछ तो ले लिया था, लास्ट रह गए थे इनवेलप्स, हमें मिल नहीं रहे थे। हम अपने टाउन से यहाँ पहुँच गए, इस्लामाबाद में आ गए, हमें अच्छे इन्वेलप्स मिले हैं। देखा ना भाई, ये बिल्कुल ना मतलब वो कार्ड होता है ना पेपर के नहीं है, तो अब इन पे अपने नाम लिखेंगे और सलामियाँ जो दी जाती है ना दुल्हा दुल्हन को वो भाई इसमें डालेंगे, और फिर जब देने का टाइम आएगा तो उनको दे देंगे। अच्छा भाई पहुंच गए हैं जी रमादा होटल, भाई ये पता नहीं क्या वेंडम इस्लामाबाद आई डोंट नो क्या है, क्या भाई ट्रेडिशनल लुक है इसकी, नहीं भाई फुल प्रूफ बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी है। अच्छा भाई रमादा होटल हम गए हैं जी पहुंच, और वक्त के हम बड़े पाबंद हैं भाई। हमें जो टाइम दिया हुआ था उन्होंने 7 बजे का, लेकिन थोड़ा सा हमने फिर पाकिस्तानी निज़ाम को वो कहते हैं मद्देनज़र रखते हुए ना अपना सौदा सलफ लेते हुए ना 7:30 बजा दिए, और हम पहुंच गए हैं जी होटल की पार्किंग में। और अभी कॉल करके पूछा तो वो कह रहे हैं हम भाई रस्ते में थोड़ा लेट हो गए, तो वो पीछे से आ रहे हैं, तो हमने कहा फिर हम पार्किंग में वेट करते हैं, उनको भी लेट है भाई, तो इधर ही बैठ के इंतज़ार करते हैं। बारिश हुई हुई है, मौसम बड़ा ठंडा, गर्मी फील हो नहीं रही, तो इंजॉय करने वाला मौसम है, तो बाहर पार्किंग में वॉक कर लेते हैं। हाँ भाई पूछा भाई, वो अभी कह रहे हैं हम थोड़ा लेट हो गए, पीछे आ रहे हैं, बस इंतज़ार करो हमारा। अच्छा तो वॉक शॉक कर लो, पेट में जगह बना लो, जिंदगी पहली बार तो रमादा होटल तो खाना खाना है। बड़े-बड़े होटल तो पहली दफा खाना है, ये तो छोटा दिया यार। वैसे ना जितनी बड़ी जगह ना उतना बंदे को सोफिस्टिकेटेड होना पड़ता है, और वो ना खाने का मजा खत्म हो जाता है। हमने पूरा तसल्ली से खाना, हम वो नहीं रहे, अब
ओए ओए मुझे ना भाई पिज्जों की खुशबू आ रही है, पता नहीं कहाँ से। नहीं वाकई आ रही है, शायद हम किचन वाली साइड पे आए। तो ये सारी बिल्डिंग जो है ना भाई रमादा होटल की है, और यहाँ पर ही भाई आज जो है ना क्या होने वाला है, वलीमा होने वाला है। तो यहीं पे इंतज़ार करते हैं, बस पहुँचने वाले हैं वो भी, फिर इंशाल्लाह अंदर जाएंगे। अच्छा भाई रमादा होटल का फ्रंट व्यू ये है, मेरा तो भाई फर्स्ट टाइम है, सीधी बात है, इतने बड़े होटल में मतलब पता नहीं, मुझे नहीं ये एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है कि ये 3 स्टार है या वैसे ही लोकली है। आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी है तो सर ट्रेडिशनल सी लुक आ रही है, अंदर जा कर देखते हैं कि एम्बियंस कैसी है इसके अंदर से। अच्छा भाई टाइम जो है ना 9:10 हो गए हैं और सारे गेस्ट जो है ना ऑलमोस्ट आ चुके हैं, बस अब खाना खुलने वाला है। तो शब्बीर खाने के इंतज़ार में है भाई, खाना खाएंगे इंशाल्लाह और फिर निकलेंगे क्योंकि थकावट बहुत हो गई है भाई। 10 बजे कहते हैं कि इस्लामाबाद में होटल्स वगैरह सारे जो है ना बंद हो जाते हैं, देखते हैं यहाँ भी होते हैं कि नहीं। ऑलमोस्ट रेडी है सब कुछ, बस खाना खुलने ही लगा है, तो रश काफ़ी है। मैं तो समझ रहा था कि थोड़े बहुत गेस्ट होंगे लेकिन बहुत से लोग इन्होंने बुलाए हुए हैं भाई। अभी जो है ना खाना खुलने लगा था और हम ना भाई दुल्हा दुल्हन को जो बुके देना है ना वो उठाने के लिए आए थे, तो अकेले को डर लगता था, मैं सबको ले आया हूँ। ले भाई शबीरो खाना आ गया है खुल और सब चले गए हैं भाई, मैं जाऊँगा थोड़ा सा ना एंड पे, तब तक जो ना थोड़ा रश कम हो जाएगा तो ईजी हो जाता है। अच्छा भाई खाना जो है ना खुल गया था भाई, और कुछ इस तरह से यहाँ सीन्स हैं, कबाब और ये बीफ है आई थिंक, साथ में ये कोई ग्रीन साग की तरह की कोई चीज़ लग रही है, और ये और आंटी भी आ गई हैं। ये रख लेना संभाल के, अच्छा ये सारे भाइयों के करेंगे कि जाना चाहिए। अच्छा ये हमारी तरफ जाने चले, यहाँ अभी और चीज़ें भी होंगी। थैंक यू, और सही तरह खाना खाना। जी जी कोई मसला नहीं, बाकी भाई खाना तो खुल चुका है और मैं जो ना थोड़ा सा चिकन मीट बीफ से थोड़ा सा परहेज़ करता हूँ, खा लेता हूँ, वो मसला नहीं है। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये लोबिया, इसका भी सैलड बना हुआ है, एक किस्म की चाट ही बनी हुई है और बड़ी मज़े की है। हाँ भाई, हाँ जी, तूने कहाँ हाथ फेरा है, ये राइस नान, बाकी खाना तो मज़े का है। तो थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें जो है ना सारी ट्राई करेंगे, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, रिव्यू देना बनता है सारी चीज़ों का। आंटी ने दिए हैं कि ये घर ले के जाने, वो जो निकाह होता है ना तो उसके बाद देते हैं, और ये कोई चीज़ और है। अच्छा इसमें दुआएं वगैरह लिखी हुई हैं सारी। हलीमा सरमनी को अलविदा कर दिया है भाई, और खाना पीना हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हुआ है जी। बस एक चीज़ थी, एक इशू था जो हमेशा ही मेरे साथ भी शायद बाकी सब के साथ भी होता है कि जान पहचान इतनी ज़्यादा लोगों के साथ होती नहीं है, तो फिर बंदा ना किसी के साथ ना खुल के बात नहीं कर सकता। बाकी जिनके रेफरेंस जिनकी शादी में शिरकत के लिए आए थे माशाल्लाह से उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत उन्होंने मतलब कंपनी दी, बहुत इंजॉय किया, बहुत गपशप भी की, तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। जो है ना हम अपने भाई गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमने स्टे किया हुआ है रात को, तो इंशाल्लाह बाकी सुबह देखेंगे कि क्या प्लान बनता है। बाकी खाने में क्या क्या बना था भाई, हम आपने सारी चीज़ें ट्राई की थी, थक्की बल्टी लगता खा खा के। अच्छा भाई खाने में था जी, मैं आपको तरतीब से बताता हूँ, सबसे पहले बीफ था, वो बीफ था मटन था, मटन था भाई, हमें ये भी नहीं पता। मैंने कसम से एक बोटी नहीं खाई, मतलब ज़्यादा जब खाने होते हैं ना तो मैं अपनी पसंदीदा चीज़ों को प्रेफरेंस ज़्यादा देता हूँ, तो मटन था, उसके बाद भाई राइस थे, उसके बाद भाई सैलड था, उसके बाद भाई रशियन सैलड था, वो दूसरा ग्रीन सैलड था, उसके अलावा स्वीट्स में जो थे गुलाब जामुन थे, कस्टर्ड था और कुल्फियाँ थी और फालूदा था और आइसक्रीम भी थी, नान और रोटी वगैरह जो होती है चिकन वो सब कुछ था। तो डिशेस काफ़ी ज़्यादा थी माशाल्लाह से, मैंने थोड़ी थोड़ी करके ना भाई सारी ट्राई किए हैं। ट्राई मैंने इसलिए किए हैं कि भाई रमादा होटल का नाम बड़ा सुना था, तो मैंने कहा भाई इनका टेस्ट भी चेक करें। तो मटन जो था ना ऐसा लग रहा था जैसे घर का होता है ना, ऐसी फील आ रही थी। अच्छा बना हुआ था। बाकी खाने भी मतलब ज़बरदस्त थे, लेकिन जब ज़्यादा होते हैं ना तो फिर दिल नहीं करता ज़्यादा खा पाए बंदा शौक से,
तो फिर चाहत होती कि सारे थोड़े थोड़े जो है बंदा ट्राई कर, लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी ना कि बाहर से जिस तरह का रमादा होटल था कि बड़ा ट्रेडिशनल टाइप के अंदर एंटीक सी चीज़ें लगी होंगी, वो तो नहीं था। नॉर्मल जो एज यूजुअल मतलब जो मैरिज हॉल बने होते हैं उसी तरह से पोर्शन बने हुए थे, लेकिन ये था कि बहुत क्लीनिंग थी, सफाई थी, साफ़ सुथराई थी और अच्छा इन्वायरमेंट था और बड़ा पीसफुली जो इवेंट है ना वो हो गया था। और अभी हम जो है ना वापस जा रहे हैं जी रूम की तरफ और टाइम जो है ना 10:27 हो गए। तो फाइनली जो है ना भाई हम पहुंच गए हैं जी वापस अपने गेस्ट हाउस में जहां हम स्टे कर रहे हैं भाई। और ये जो है ना मिठाई और ये जो क्या कहते हैं फ्रूट्स की टोकरी जो बनवाई थी ना भाई, ये अभी तक हमने भाई शादी वाले घर में नहीं दी, क्योंकि ना इवेंट्स जो हो रहे थे ना मैरिज हॉल में हो रहे थे तो वहाँ ये दे नहीं सकते थे। तो अभी वापस आएंगे ना जो इवेंट से वापस, तो उनके घर में ये सारी चीज़ें देंगे इंशाल्लाह। अभी जो है ना भाई रेस्ट करते हैं और बड़े ही भाई थके हुए हैं क्योंकि सुबह से ही ट्रैवल कर रहे थे और अपना खाने इतने ज़्यादा खा लिए ना कि खाने खा के हम थक गए। तो शूज़ वगैरह कपड़े वगैरह करते हैं चेंज। चलें भाई माँ बाप रेस्ट करें, सह जाए भाई अब सह जाए। अम्मा कह रही है मैं थक गई हूँ, मैं समा करूँगी अब, मैं भी समा करूँगा भाई। भाई शादी से ना हमें कुछ छोटे छोटे से प्यारे से बड़े ही यूनिक से तोहफे भी मिले हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और वो भाई ये चेक करें, अभी मैंने खोल के देखी नहीं कि इसके अंदर क्या क्या है। खैर ये तो हर शादी में मिलती हैं। शादी जो थी ना भाई वो थी हमाद एंड नजमा। तो भाई हमाद एंड नजमा अगर व्लॉग देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो शादी की, और आपकी ये शादी ज़िंदगी भर चले, बहुत अच्छी चले, बस ये दुआ है। उसके बाद जो है ना ये भाई बुक्स मिली हैं हमें, इनके अंदर ना दुआएं लिखी हुई हैं डिफरेंट, है ना सेम है ना। ये है जी फोर्ट्रेस ऑफ द मुस्लिम, इन एक ये लिखा हुआ है इनवोकेशन फ्रॉम द कुरान एंड सुन्ना। तो इसमें जो है ना डिफरेंट टाइप्स की जो है ना दुआएं लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हो इंग्लिश में भी उर्दू में भी, सॉरी उर्दू में तो नहीं है अरेबिक में है। एक ये वाली बुक है और उसके बाद जो है ना एक ये वाली मिली, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स की दुआएं उर्दू में अरेबिक में, बाकी मेरे ख्याल में सेम ही है। हाँ ये तकरीबन हमें मिली हैं चार पाँच, हाँ ये पाँच मिली हैं और ये उन्होंने दी थी कि आप पाँचों भाई होती हैं एक एक, और ये मुझे पाँच मिले थे लेकिन दो वहाँ पे ना मेरे किसी ने चोरी कर ली है तो ये तीन मेरे पास वापस आए हैं। तो इनके अंदर भी देखते हैं क्या, खोलें ऐसे खींचे ना जैसे वो, ऐसे यहाँ पे निकालते हैं। वाह भाई वाह भाई वाह, पहली बार कुछ ना हमें ये जो इसको क्या कहते हैं बेद, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चीज मिली है, थोड़ा सा नहीं बहुत, बल्कि बहुत सी डिफरेंट है। ये भाई बबले हैं कि पता नहीं चॉकलेट है, ये खोल के देखेंगे, और ये भी चॉकलेट है। अच्छा भाई एक चीज़ रह गई थी जो मैंने आपको नहीं दिखाई थी, ये मैंने पहली बार देखा कि शादी में ये चीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट की गई। वैसे होते होंगे लेकिन हमारे तरफ ये चीज़ ट्रेंड में नहीं है और ना ही मैंने कभी देखी है। ये भाई रेड रोज़ एक अत्तर मिला है, स्मेल इसकी काफ़ी मज़े की है, तो मतलब ये भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो गेस्ट आए हुए थे ना सबको दिए हैं उन्होंने। मैं सोचा भाई आपको दिखाऊं कि ये रस्म रवायात होती हैं, तो क्या आपकी तरफ भी ये सब चीज़ें दी जाती हैं। ये वाली तो मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, इस तरह की बुक्स तो मैंने कभी नहीं देखी कि डिस्ट्रीब्यूट की गई हों, लेकिन इस बार ये जो है ना दुआएं वगैरह लिखी हुई ये भी डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह हो गई है और हम निकलने लगे हैं जी वापसी के लिए। वापसी का तो फिलहाल प्लान नहीं है, कुछ घूमने फिरने का प्लान है। कहाँ का प्लान है इंशाल्लाह सुबह आपको, कहाँ का घूमने का प्लान है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। फिलहाल भाई अपने शूज़ उठाए हुए हैं, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं। कपड़े शपड़े किए मैंने चेंज, दोबारा से मैंने वही कल वाली भाई शर्ट पहन लिया, ये मुझे लगी थोड़ी सी अच्छी, तो दूसरी करनी पड़नी थी मुझे प्रेस दोबारा से, तो फिर जो है ना मैंने इसलिए यही पहन ली। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब निकलते हैं, और कल से भाई ये देख रहे हैं कि हम जिनके घर आए हैं मेहमान बन के, अब खोल के खा ही लेते हैं उनको दे दें, लेकिन अभी तक हम उनको ये एक चीज है केले जो है ना अच्छे से पक गए, मच्छर अंदर गुस्सा हुआ है। अच्छा तो ये जो है ना भाई डिलीवर करने थे फैमिली को, तो अभी जो है ना इंशाल्लाह निकलते वक्त जो है ना उनके घर में दे देंगे। ये जो है ना गेस्ट हाउस है तो यहाँ दे नहीं सकते थे ना यहाँ रख सकते थे, तो अब जो वो कहते हैं ना जो ओरिजिनल घर है उधर ही हमने जाना है, तो वहाँ ये देते जाएंगे इंशाल्लाह और नेक्स्ट अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। सामान अपना रखते हैं जी गाड़ी में। कल भी भाई 6:30 बजे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, और अभी भी बाहर जो है ना 6:30 बजे का टाइम है और यहाँ भाई बारिश हो रही है, फुल मज़े वाला मौसम है, ठंडा नाइस। सारी रात लगता है हल्की फुल्की बारिश होती रही है,
बारिश जो है ना लगता है फिर से तेज होने लगी है। मरी में भी होगी भाई बारिश फुल हैवी, ओए हो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई है, ऐसे ना बहुत बोरिंग ना ही बहुत शौकी माहौल वाले, बिल्कुल दरमियाने दरमियाने माहौल वाली ये जगह है। और इधर वो भाई सामने पार्क भी है छोटा सा, तो ये मज़े की जगह है। रोड स्पेशली तो ये गाड़ियाँ आ जा सकती हैं, और बारिश तेज़ हो गई है भाई, सामान रह गया था हमारा कुछ, वो उठाते हैं और निकलते हैं भाई। चल भाई चौरे शावा मुंशी टाइम ना रख। बारिश जो है ना अच्छी खासी हो गई है फिर से शुरू, लगता है आज भी ये सारा दिन हमारा पीछा करेगी, जहाँ जहाँ हम जाएंगे बारिश वहाँ वहाँ हमारे साथ आएगी। और ठंड हो गई, और मैंने भाई बाजू में हाफ शर्ट पहनी, हाफ बाजू वाली शर्ट पहनी हुई है, तो अभी हमने मरी की तरफ भी शायद निकलना है, तो ठंड होगी वहाँ पर। लेकिन सबसे पहले जो है ना भाई वो मिठाई वगैरह जो फ्रूट्स है ना, कल के हम सोच रहे हैं किसी तरह अपने मेज़बानों तक पहुँचा दें, तो सबसे पहले तो भाई वो काम कम्प्लीट करते हैं। फाइनली जो है ना हमने अंकल आंटी का घर ढूंढ लिया, हमें थोड़े से ना मिक्स हुआ है वो ना 15A और 15C और B के चक्कर में ना थोड़ा आगे पीछे हुए, लेकिन फिर भी ना ये कहाँ रखनी है बता दें, हम रख देते हैं। हवा हो गई है बहुत तेज़, और मैंने वही हाफ पास वाली शर्ट पहनी, थोड़ी ठंड भी बढ़ गई है, और बस मिलना मिलाना सबसे हुआ है अभी, और अब हम निकलने के लगे हैं जी मरी के लिए। अंकल आंटी से भी मिल लिया हमने, और अभी हम निकल चुके हैं जी। सबसे पहले भाई नाश्ते का कुछ प्लान बनाना है, नाश्ता कहाँ करते हैं। बाकी भाई शहरों का सबसे बड़ा फायदा जो है ना मेरे ख्याल में यही है कि बारिश के बाद जो है ना रोड फिर भी कीचड़ नहीं बनता, लेकिन शहरों में भी बनता है, लेकिन ये अच्छी सोसाइटियों में नहीं बनता। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम है भाई फ़िलहाल के लिए, तो आगे देखें कैसा होता है। बाकी सारी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे जी। फिलहाल नाश्ते वाली कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ से हम नाश्ता कर लें, क्योंकि नाश्ता हमने प्लान किया हुआ था कि बाहर ही जाकर कहीं करेंगे। बैरिया के जितने भी मतलब इन्होंने टाउन बनाए हुए हैं, सोसाइटीज़ हैं ना, वहाँ के जो सिग्नेचर चीज़ है ना, वहाँ आपको ये खजूरें ज़रूर देखने को मिलेंगी। मतलब मोस्टली इन्होंने ना अरेबिक वाला वो एमिरेट्स वाला टच दिया हुआ है सोसाइटियों को। अच्छा भाई, तो फिलहाल जो है ना भाई वीडियो को भी करते हैं जी ख़त्म। आई होप सो आज की सारी रूटीन आपको पसंद आई होगी, हाउस टूर कैसा लगा। बाकी वलीमा सर ने भी बहुत मज़े की रही, और अभी मुझे शदीद वाली सुबह सुबह ही नींद आ रही है, क्योंकि 6 बजे उठ गए और रात को भी काफ़ी लेट सोए थे, तो आँखें ना बंद हो रही हैं। लेकिन नाश्ता शास्ता करेंगे तो शायद एनर्जी आ जाए। तो फिलहाल वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चलते नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो हम यहाँ रखिएगा, तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।